उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस का विवाद जो रोज बढ़ रहा है, भारी दबाव में आखिरकार योगी सरकार ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन गिरफ्तारी अब भी नहीं की है। उन्नाव रेप केस में अब तक क्या हुआ, एक नजर डाल लीजिए। यूपी पुलिस बीजेपी विधायक को गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। गिरफ्तारी का फैसला CBI करेगी, ये कहकर यूपी सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ रही है इस मामले से। रेप का आरोपी बीजेपी विधायक खुला घूम रहा है, नाबालिग पर रेप पर बने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी फौरन होती है, लेकिन इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। तो उन्नाव रेप केस में अब तक जो हुआ वो आपने देखा, और इस बीच जो आरोपी विधायक है कुलदीप सेंगर, उसके भांजे से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश ने। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। माखी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हमारे साथ प्रखर मौजूद है जो कि उनके भांजे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कल जब बात हुई थी कुलदीप सेंगर से, तो उनका ये कहना था, वो SSP के घर भी गए थे, उनका ये कहना था कि हमारे खिलाफ कोई अगर मामला बनता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो वो गिरफ्तारी अपनी दे देंगे। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, क्या आप लोगों से बातचीत हुई आगे के क्या उनकी करेंगे? देखिए, पहली बात, वो कल SSP साहब के यहाँ नहीं गए थे। कई चैनलों ने ये चला दिया था कि वो भाग गए हैं, भगौड़े हैं, इस टाइप की चीज़ें बताई थी। तो उन्होंने कुछ चैनलों से फ़ोन आया, तो उन्होंने पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा SSP साहब के यहाँ है। तो वो वहाँ चले गए, उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं भागा हुआ हूँ, मैं यहीं पर हूँ, यहीं मौजूद हूँ आपके बीच में, आप जब जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं, जब चाहें मेरी बात कर सकते हैं। कल उन्होंने कई चैनलों को इसीलिए बात भी करी। रही बात आज की, तो आज मामला CBI को दे दिया गया है। अब जो CBI डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर होगा। हमने खुद ही मांग करी थी कि भाई CBI जांच होनी चाहिए इस पक्ष की, और दूसरी मांग हम फिर से आपके चैनल के थ्रू करना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए। नार्को टेस्ट से सब पता चल जाएगा हमारे परिवार पर क्या गुजर रही है, कि हम बयान नहीं कर सकते। हमारे घर में बच्चियाँ हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, महिलाएं हैं, उन सब पर क्या गुजर रही है ये बयान नहीं किया जा सकता है। प्रखर, कल SSP आवास पे मेरी भी कुलदीप सिंगर से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अगर उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है तो वो सरेंडर कर देंगे। सर, मामला दर्ज होता है मगर आपने DGP साहब का भी वो नहीं कहा, ये आप मगर क्वेश्चन बेहतर DGP साहब से पूछ लें या संबंधित अधिकारियों से पूछें, वो बेहतर बता पाएंगे। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं करी गई। अगर गिरफ्तारी का बोला जाएगा तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं, कानून व्यवस्था के एक प्रतिनिधित्व के तौर पर वो रहते हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे? अगर वही गलत वो करेंगे तो फिर गलत होगा ना। उन्होंने पहले दिन से कहा है कि जो कहा जाएगा, बस निष्पक्ष जांच हो। CBI जांच की मांग करी थी कि सच सामने आ जाए। मैं कह रहा हूँ, क्यों लोग भाग रहे हैं नार्को टेस्ट से? जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, सच सामने आ जाएगा। अच्छा, मुकदमा दर्ज होने के बाद कुलदीप सिंगर ने आपसे कोई कांटेक्ट किया? उनकी पत्नी यहाँ पर एडमिट है, तबीयत खराब है, कुछ कांटेक्ट आप लोग का हुआ, क्या कहना उनका? सर, वो कल देखने आए थे और दिन में मेरी एक बार बात हुई, तो उन्होंने हाल चाल लिया, ठीक है कि नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वहीं पर है, और अब वो अपने क्षेत्र में जनता के बीच में है, जिन्होंने उनको जिताया है उन्हीं के बीच में है वो। और वही ये जो उन्नाव का रेप का केस है, इसे लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शन की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, उन्नाव रेप केस को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा। सुष्मिता देव को देख रहे हैं आप, इसमें कांग्रेस की नेता इस महिला मोर्चा को लीड करती हुई नजर आ रही। उन्नाव प्रकरण को लेकर के कांग्रेस की जो महिला सदस्य है और नेता है वो अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रही है, और यहाँ पर कूच किया है इन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर के लिए। हमारे साथ राणा जी मौजूद हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज? हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के, और उन्नाव रेप केस को लेकर के हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आप घेराव करेंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है, या जिस तरह से प्रकरण चल रहा है? ये लड़ाई आज शुरू हुई है, और जब तक उन पीड़ितों को नहीं मिलता है, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं महिला कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि
उन्नाव प्रकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन अपना जता रही है और सीधे कांग्रेस कार्यालय से ही मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, वो कह रहे हैं सीबीआई तय करेगी गिरफ्तारी कब होगी। इस प्रकरण में जब आप सब चैनलों ने बड़ी लंबी ट्वीट के बाद में मामला तत्काल एसआईटी में चला गया और 12 घंटे में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को पढ़ के तुरंत मामला सारे का सारे एफआईआर दर्ज हो गई, मामला सीबीआई को चला गया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इन सारे बिंदु तथ्यों को देखते हुए साक्षी महाराज अगर कुछ कहें तो अनुचित है, इसलिए संदर्भ में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, मामला सीबीआई के पक्ष में चला। महाराज गिरफ्तारी होगी कि नहीं सीबीआई तय करेगी। जब आदमी सब तरह से हार जाता है सीबीआई की मांग करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की रिपोर्ट देकर के एक सेकंड नहीं लगाया, सरकार ने इतनी तत्परता से काम किया कि मामला सीबीआई को चला गया। तो कौन अरेस्ट होगा, कौन छूटेगा, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये निर्णय सीबीआई करेगी। सीबीआई ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया ना केस, नहीं किया, कर लेगी। सुना आपने, साक्षी महाराज कह रहे तत्परता दिखाई, मामला 10 महीने पुराना है, इसे तत्परता कह रहे हैं साक्षी महाराज। खैर, कुलदीप सेंगर ने एबीपी न्यूज से बात की है और आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों के बचाव में सेंगर बात को बीजेपी को कमजोर करने की दरअसल साजिश तक ले गए हैं। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी जो आज डीजीपी से मिलने गई थी, उनकी तबीयत खराब है और यहाँ हॉस्पिटल में उनको देखने आए हैं। क्या कैसे तबीयत बिगड़ी? मैं पत्नी को देखने आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए सब आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूँगा। देश की जो सबसे बड़ी संस्था है सीबीआई से जाँच करा ली जाए। जो आरोप लगाए गए मिथ्या आरोप लगाए गए, जिन लोगों ने आरोप लगाए उनकी क्या स्थिति है, वो क्या करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्देश होगा, न्यायिक व्यवस्था जो चाहेगी, हम कानून का पालन करेंगे। मेरी नीयत, मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने आज तक केवल गरीब कमज़ोर लोगों की सेवा के अलावा मैंने किसी को परेशान करने का काम नहीं किया, किसी के साथ विश्वासघात करने का काम नहीं किया। जिस दल में रहा उस दल में ईमानदारी से काम करने का काम किया है, उस पार्टी की नीतियों को मजबूत करने का काम किया है। आज हमारी पत्नी भर्ती हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की सबसे बड़ी संस्था जहाँ से चाहें वहाँ से जाँच करा लें, जहाँ से चाहें हमारा टेस्ट करा लें। जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, जो आरोप मीडिया ट्रायल जो की गई मीडिया के द्वारा, वो व्यवस्था गलत है। और मैं तो केवल इतना कहूँगा, सच को दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए उनकी नीयत क्या है, उनका कार्य कैसे कार्य करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, और जिन लोगों ने उसमें साजिश की है, जिन लोगों ने उसमें साजिश की, साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। तो सुन रहे हैं आप, अपनी जान बचाने के लिए अब पार्टी बीजेपी की आड़ ले रहे हैं आरोपी विधायक। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।